तो गाइस यार आज अपन बात करने वाले राजस्थान के सुपरस्टार कलाकारों में से एक जिनका नाम है मनराज दीवाना। यानी कि यार गाइस राजस्थान के किसी भी जिले में चल जाओ आप, इनका गाना कहीं ना कहीं बजता हुआ आपको सुनाई जरूर देगा। गाइस आज पूरी बात करने वाले मनराज दीवाना के लाइफ स्टाइल के बारे में, यानी कि वो कहाँ के और कहाँ पर रहते हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ और वो अभी क्या कर रहे हैं, सारी बातें करने वाले हैं। यार गाइस आपको तो पता ही होगा कि मनराज दीवाना अधिकतर जख्मी सॉन्ग गाते हैं, यानी कि यार गाइस उनको सैड सॉन्ग यानी जख्मी सॉन्ग में काफी फेमस माना जाता है राजस्थान में। यार गाइस बात कर लेते हैं उनकी पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में। उनका पूरा नाम, असली नाम यानी कि मनराज गुजर है, दीवाना उनको जख्मी सॉन्ग गाने के कारण उनको दीवाना नाम दिया गया है। यार गाइस मनराज दीवाना का जन्म सवाई माधोपुर जिले में बरमाड़ा तहसील रजमाड़ा गांव में हुआ है। यानी कि यार गाइस मनराज दीवाना की घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मतलब कि यार गाइस जब मनराज थोड़े बड़े हो गए थे तो उन्होंने ट्रक चलाने का काम स्टार्ट कर दिया था। बाकी यार गाइस ट्रक चलाने के साथ साथ उन्होंने गानों की दुनिया में भी एंट्री ले ली थी और उन्होंने जख्मी सॉन्ग यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था प्रियंका, उन्होंने उनको धोखा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने यानी कि यार गाइस उन्होंने फिर कुछ इमोशनल और जख्मी और सैड सॉन्ग निकाले जिनको पब्लिक ने काफ़ी पसंद किया। यानी कि यार गाइस आज गली मोहल्लों में ऐसी कोई डीजे पिकअप नहीं है, ऐसा कोई डीजे ट्रस्ट नहीं है जहाँ पे मनराज के गाने नहीं चलते हैं और लोग सभी उनको पसंद करते हैं। तो गाइस यार मनराज दीवाना की पहली रिकॉर्डिंग माँ भारती रिकॉर्डिंग स्टूडियो टोक में हुई थी, जिनमें उन्होंने एक सॉन्ग गाया था मेरा दिल दर्द जान। बाकी यार गाइस मनराज भाई ने हजारों सॉन्ग निकाल दिए हैं और कई एल्बम सॉन्ग भी उन्होंने निकाल दिए हैं और काफ़ी हिट गए हैं उनके सॉन्ग। बाकी यार गाइस वैसे तो मनराज भाई ने काफ़ी हिट सॉन्ग दिए, लेकिन उनका एक सॉन्ग जिसका नाम है आशिक बारिश में बुलावे, ये सॉन्ग काफ़ी हिट है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर नंबर वन पर है ये सॉन्ग। तो ये गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मनराज भाई के जीवन के बारे में आज जानकर आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।